हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा गेहूं के आटे का हलवा बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक किलो आटा लिया और आधा किलो देसी घी लिया और एक कढ़ाई में डाल के इसको मिक्स कराए, हल्की आंच के पकाएंगे जब तक ये मतलब सुगंधित ना हो। अपने आपको मतलब सुगंध से मालूम पड़ना चालू हो जाएगा कि गेहूं के आटे का हलवा की सुगंध आ रही है। और इसको महीन करकरा होने देंगे, इसका कलर पीला होने लगेगा तब इसको बॉईल करते रहेंगे जब तक हल्के आंच पे पकाए। एकदम स्वादिष्ट हीरा बनेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरे वीडियो को, मिलता हूँ वीडियो के एंड में। जब तक घुमाते रहो, दोस्तों अभी देख सकते हो आप, पीला होने लग गया है, आपको दिखता हो तो। और एक अलग पानी हम गरम कर लेंगे 1.5 लीटर जितना इसमें डालने के लिए, वो भी फुल गरम होना चाहिए। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी और बताएंगे आगे। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही देसी। अब हम डाल रहे हैं पानी इसमें, ये देख लो सीरे का कलर बदल गया है, पीला कलर का हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी और आगे बताता हूँ पानी मिक्स करने के बाद क्या करना है। हमने डाला है एक और पानी मतलब आधा लीटर पानी, और हम इसको बराबर माइन मिक्स करेंगे। जब तक ये पानी सोख जाएगा तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। देख रहे हो गाढ़ा होने लगा है, तो थोड़ा फिर से पानी डाल देते हैं। जब ये फूल गाढ़ा रहे तब पानी डालेंगे। आंच को तेज रखें आप, पानी और डालेंगे, आंच को तेज कर दे, तेज आंच पे पका रहे हैं हम। और इसको हिलाने का स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो सीरा नीचे जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाढ़ा होने लगेगा। देखते हैं गाढ़ा कितना होता है, फिर अगर ऐसा लग रहा है तो पानी डालेंगे फिर से, वो भी गर्म पानी। देख रहे हो आप, ये कड़क होने लगा है मतलब कि अच्छा बनने लगा है। लगातार हिलाना है। कढ़ाई एल्यूमिनियम की और चम्मच MS की या लोखंड की, आयरन की होगी तो अच्छा रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेंगे, सादा सिंपल सीरा बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है ये। और पानी हमने डाल दिया थोड़ा सा क्योंकि ये गाढ़ा होने लग गया था। नीचे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये चिपक गया तो खराब हो जाएगा या कढ़ाई में जल जाएगा। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब हम डालेंगे 500 ग्राम शक्कर, मतलब समझ रहे हो, एक किलो में 500 ग्राम शक्कर डालेंगे तो मीडियम मीठा होगा। अगर आपको और भी मीठा चाहिए, ज़्यादा अच्छा मीठा स्वादिष्ट और अच्छा ज़्यादा मीठा खाने का चौक है तो थोड़ा और शक्कर डाल दीजिए, तो ये जैसा स्वादानुसार हो जाएगा। और इसको मस्त मिक्स करते रहिए, इसका कलर पीला होने लगेगा। और जब तक हिलाते रहिए तब तक इसका घी की परत घी छोड़ना चालू कर देगा, तब जाके ये सीरा कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हो ये एकदम मिक्स हो गया है और अब कढ़ाई को चिपकना बंद हो गया है, मतलब सीरा पकने में रेडी है।
उसको लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अगर आपको इसको और गाढ़ा रखना है तो आप पानी थोड़ा सा कम डालिए तो ये गाढ़ा बनेगा। पक गया है कंप्लीट सीधा। इसको जब तक पकाएंगे तब तक ये पूरा घी ना छोड़ देवे। और भी इस तरह के वीडियो देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी रेसिपी आपको राजस्थानी रेसिपी देखनी है। और ये बिल्कुल पक्कर तैयार हो गया है, एकदम चिपकना बंद हो गया है। थैंक यू, फिरा बन गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।